महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। होटल शिवम में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को उनके दायित्व दिए। पेश है वो। भारतीय श्रवण संघ की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय श्रवण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजीव उपाध्याय द्वारा होटल शिवम में प्रेस वार्ता की। पहले बैठक आयोजित की गई, फिर उसके बाद प्रेस को उन्होंने संबोधित किया है। महानगर अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। सौरभ लहरी को महानगर अध्यक्ष का बनाया गया है, दायित्व दिया गया है। साथ ही राजेंद्र वशिष्ठ सहित विशाल दीक्षित युवा महानगर अध्यक्ष, पंडित सांतोन शर्मा युवा विधानसभा अध्यक्ष, वैभव चौहान को भी बनाया गया है। साफ तौर पर भारतीय श्रवण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि भारतीय श्रवण महासभा श्रवण समाज के हित के लिए कार्य कर रही है, श्रवण समाज के उसूलों के लिए कार्य कर रही है और उसी के तहत उन्होंने आज कार्यकारिणी का विस्तार किया है। भारतीय श्रवण महासभा की श्रवण रेस्टोरेंट प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है संगठन को तेजी से विस्तार करना। जिले में बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है और जो आरक्षण की लड़ाई है, आर्थिक आधार की अब जो मांग कर रहा है संगठन हमारा, उसको जब हमारे साथ समाज के युवा नौजवान जुड़ेंगे तब आर्थिक आधार की मांग हमारी तेजी से उठेगी। इसी के तहत आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें आज हमने महानगर अध्यक्ष पद पर सौरभ लहरी रहना निवासी हैं, इनको महानगर अध्यक्ष फैजाबाद बनाया है। महानगर प्रभारी राजेंद्र वशिष्ठ ये परशुराम कॉलोनी निवासी हैं और युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई विशाल दीक्षित जी ये आज युवा के तरह युवा के रहे हैं, ये जिला के कमान हैं इनके पास। युवा महानगर अध्यक्ष पंडित शांतनु शर्मा जी को दी गई है। युवा विधानसभा अध्यक्ष भाई वैभव चौहान जी हैं जो हमारे किशन नगर के हैं, इनको बनाया गया है। और सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन के अंदर अपनी कमेटी गठित कर प्रदेश कार्यालय को सौंपें और जिससे हमारे युवा नौजवान जो टीम बनी है जो एक होकर श्रवण समाज की लड़ाई को लड़ें। और हमारी मांग है आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। जाति के आरक्षण का हम विरोध करते हैं क्योंकि हर जात में या प्रत्येक जात में गरीब लोग हैं। जिम्मेदारी दी गई है भारतीय श्रवण संगठन महासभा में आज प्रेस वार्ता जो भेजेगी शिवम होटल में, वहाँ मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री माननीय संजीव उपाध्याय जी ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे महानगर अध्यक्ष की, उसे मैं भली भांति पूर्णतः निभाऊंगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। मैं पंडित रिजन शर्मा सरवण महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज ये संबंध बुलाई गई है कि ये नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान समारोह भी रखा गया है जो नगर के बनाए गए हैं, जिले के बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग सरवण महासभा के माध्यम से पूरे जिले में सरवणों के डोर टू डोर घर पर जाकर सरवणों को इकट्ठा करने का काम करेंगे, संगठन में जोड़ने का काम करेंगे और जिले में जिले से लेके मंडल और मंडल से लेके प्रदेश में सरवणों को इकट्ठा करके एक लंबी लड़ाई सरवण महासभा के माध्यम से हम लोग लड़ने जल्दी से जल्दी की तैयारी में लगे हुए हैं कि संगठन हमारा तैयार हो जाए। एक लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे सरवणों के हितों की और आरक्षण की, गरीबों के आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि सरवणों में तमाम गरीब मजदूर हैं, बेरोजगार हैं और वो आरक्षण के आधार पर उनकी बहुत बड़े योग्य हैं, लेकिन आरक्षण के आधार पर उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत सब धूमिल होती जा रही है। ऐसे नौजवानों को, ऐसे गरीबों को हम आगे लाकर जो है उनकी लड़ाई लड़ने का सरवण महासभा के माध्यम से